कहना चाहेंगे आज जैसे कि कंटिन्यू कर रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से आप इस इवेंट से जुड़े हैं। हम यहाँ बेसिकली अपने दोस्त मुकेश छाबड़ा को सपोर्ट करने आए हैं। लास्ट ईयर भी उनका ये फेस्टिवल हुआ था, बहुत बेहतरीन हुआ था। लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो बस आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही ऑब्जर्व किया था, एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ थिएटर और सिनेमा दोनों को एक ही मैनेज पुट देम टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो मुकेश को सपोर्ट करने आए हैं। जी बिल्कुल, ऑफकोर्स दैट इज़ अनदर रीज़न वाई आई एम हियर। ओम जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे साथ दो फिल्मों में काम कर चुके थे, और काम के अलावा आई थिंक एक बहुत ही हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप था। वो बहुत वार्मली मुझसे बातचीत करते थे, मुझसे मिलते थे, हम अलग अलग किस्म की चीज़ों अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करते थे। तो एक आई मीन समबडी आई रियली मिस। अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म जो है वो उनकी आखिरी फिल्म थी, और बिल्कुल कुछ दिन पहले तक हमारे साथ शूट कर रहे थे, तो अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है कि वो नहीं है हमारे साथ, और उनकी मेमोरी में भी हम यहाँ पे आए। यू फील रियली एंग्री, यू फील दैट इट्स समथिंग वेयर यू नो आर कम्प्लीट आई मीन आई थिंक इट्स द वे वी आर एबल टू और वी आर सपोज टू कंडक्ट ourselves इन सोसाइटी सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन ओवर दिस यू नो सोशल नेटवर्किंग। इट्स अनबिलीवेबल दैट समबडी कैन एक्चुअली इशू दोज काइंड ऑफ थ्रेट्स एंड गेट अवे विद इट टू अ यंग गर्ल ऑफ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। आई मीन इट्स क्रिमिनल, एंड द ओनली वे टू काउंटर दिस इज एक्चुअली थ्रू दोज गाइज।